नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल। मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया, उसी के थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। इक्विटी, कमोडिटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर्स, इनसाइड द वर्ल्ड, अंडर द मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी, NR4, NR7 और कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्मेशन, उसका आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा वो आप लोग को दिखाऊंगा। ये फाइल मैंने मेरा व्हाट्सअप पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता हूँ। पूरा फाइल ये आप लोग को मिल सकता है, आप लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है। कुछ दिन इसका परफॉर्मेंस देख सकता है, उसका आज का परफॉर्मेंस कैसे रहा आप लोग को दिखाऊंगा, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे इसको यूज़ करना है और कैसे काम करता है। और मेरा पिछले वाला वीडियोस भी आप लोग देख लीजिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा और इसको कैसे स्क्रीनिंग करना है, इसमें क्या क्या है, ये आप लोग को अच्छी तरह से मालूम अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, तो आप लोग को ये समझने के लिए सुविधा हो जाएगा। तो देखिए, मैंने कल जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जो फाइल शेयर किया था, उसको मैंने इधर डाउनलोड कर लिया। उसके बाद मैंने इसका परफॉर्मेंस, आज का परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। आज का जो क्लोजिंग मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मैंने इसका परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। तो मैंने पहले बाय लेवल एंड सेल लेवल दिखाता हूँ। बाय लेवल एंड सेल लेवल सोच लीजिए, कुछ भी देख लेते हैं एक बार। इधर मैंने कुछ रिकमेंडेशन भी दिया था। इधर देखिए, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल, RBL बैंक, इसको देख लेते हैं एक बार। इधर बजाज ऑटो इधर 3103 में बाई था और 103.35 में बाई था और 3094 में सेलिंग था। तो देखते हैं इसका वाया छोटो आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इधर कुछ वाया छोटो को चार्ट ओपन करते हैं। बजाज ऑटो आज का 23rd। तो देखिए, इधर ओपन हुआ था 3076 पे, मतलब बाई साइड में गया नहीं था। ये 3094 के नीचे सेलिंग था, उसके बाद 3055 के नीचे ये आया था 3051, उसके बाद इससे ऊपर गया था, लेकिन बाई का लेवल शायद आया नहीं था आज। इसका नीचे का लेवल में ही रहा था। इधर सब जब नीचे गया था, इधर आया था इधर 3063, इसके बाद फिर से ऊपर गया था। थ्री जीरो 94 के नीचे ये 3060 ऐसा कुछ नीचे आया था। तो और भी देख लेते हैं, भारती एयरटेल को एक बार देख लेते हैं। ये 510 के ऊपर बाई लेवल था, 510.55 मतलब 60 55 या 60, 510.39 के नीचे सेल लेवल था। तो देखते हैं एक बार भारती एयरटेल को। पाँच सौ 10 के ऊपर भाई था, ये ओपन हुआ था 515 के ऊपर। तो आप लोग नेक्स्ट लेवल में जब इसका हाई थोड़ा था, इसके जब ऊपर गया था, तो ये ऊपर गया था 521, उसके बाद 521 का ऊपर भी गया था शायद। जो जितना सा देखता हूँ 521 तक गया था, 523 भी चला गया था, 524 दिख रहा है। तो ये हम लोग देखते हैं 510 से, ठीक है। उसके बाद मैंने इनसाइड द वर्ल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दिखाता हूँ। तो सोच लीजिए, कुछ भी स्टॉक ले लेते हैं, BPCL को देख लेते हैं। BPCL सब पोनोमीट कर देता हूँ चार्ट में देखने के लिए सुविधा हो जाएगा। तो देखिए, BPCL
का हाई, कल का हाई लो था, मतलब इधर डेड डे मूवी ने भाई जिसको काट किया था कल का कैंडल को, तो कल का जो इसका हाई लो था वो 66 और 455, तो देखते हैं 466 के ऊपर गया था क्या, नहीं गया था। हाँ 466 के जब ऊपर गया था ये 470, हाँ 471 तक गया था, 471.75 नीचे नहीं आया था। और भी एक लिख लेते हैं कि थोड़ा सा बड़ा स्टॉक देखने से अच्छा होता है, मूवमेंट अच्छा मिलता है। कोटक बैंक को एक बार देख लेते हैं, कोटक कोटक बैंक इसका कितना हाई लो था एक बार देख लेते हैं। इसका हाई लो था कोटक बैंक 1630 और 285, देखते हैं ऊपर गया था क्या, नहीं गया था। 1585 नीचे का तो 1583 दिख रहा है, लेकिन शायद ऊपर नहीं गया था। इसका लेवल आया नहीं था, ठीक है। मैंने इस बार इनसाइड द बार देखा था, वो इनसाइड द बार कैसे परफॉर्म किया, इनसाइड द बार इनफ और इनफ 7 स्टॉक चेंज में था, इसमें कॉमन मिलता है। सोच लीजिए इधर कौन कर वन डे का हिसाब से, इनफ 4 और इनफ 7 का हिसाब से कौन कर ये था, इनसाइड द बार था, तो इनसाइड द बार इनफ 4 इनफ 7 था। इसको डेली चार्ट में देखने के लिए सुविधा हो जाएगा। तो देखिए का ये जो NR4 था, तो NR4 था तो इधर 522, 552.95 के ऊपर ये 555.35 तक गया था। और इधर का इधर टू वन डे का हिसाब से बनेंगे तो ये भी 555.35, इनसे दबा बनेंगे तो 552.35 गया था। तो और भी देख लेते हैं कुछ इक्विटास, हिंदपेट्रो का एक बार हिंदाल्को को देख लेते हैं, हिंदाल्को को देखते हैं। ये इंसेंट बात था कल का कैंडल का हिसाब से, तो इसका कुछ आया नहीं था। अच्छा इस बार देख लेते हैं हार या लॉस का एक बार देख लेते हैं, ग्रासिम का एक बार देख लेते हैं। ग्रासिम को देखिए ये 3 दिन पर हार या लो था, तो उसके बाद आज का जब हाई ब्रेक, काल का जब हाई ब्रेक किया था 799, ये देखिए 811 तक गया था। तो और भी कुछ कैंडल पैटर्न लोअर लॉस देख लेते हैं, हावेल्स को देख लेते हैं एक बार। मैंने आप लोग को कल बोला था कि कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत ही अच्छा काम करता है, इनर 4 इनर 7 इनर 5 हायर हाई हायर लो। ये देखिए प्रॉपर सब्सिक्वेंटली लगातार 3 दिन से ये लो था, उसके बाद आज थोड़ा सा ये अप ट्रेंड दिया था, आप जब रिवर्सल हुआ तो ये अप ट्रेंड, इतना बुलिश मार्केट ओपन है, 600 से 620 तक ये मूवमेंट हुआ था। और भी कुछ पैटर्न देख रहे जो इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म कैंडलस्टिक पैटर्न, छोटा स्टॉक दिख रहा है। HDFC का एक बार देख लेते हैं, HDFC को देखिए कल इसका कैंडलस्टिक पैटर्न जो बना था उसके बाद इसका आई लो ऐसा कुछ खास।